शासन प्रशासन में शुद्धिकरण की जरूरत है। ये नसीहत आपने मुख्यमंत्री को दी है, न सिर्फ एक तालाब बल्कि कुछ जमी उधर लगी है। क्या वजह है सर इस तरह की नसीहत देने के पीछे? सर इधर देख के यार आप लोगों ने मेरी घेराबंदी क्यों की? मैं बचना चाहता था क्योंकि ये इतनी इस्पात वाली टीम है, लोह से भी ज्यादा कठोर, तो इस टीम से घबराता हूँ मैं, आजकल बचता हूँ। देखिए मैंने किसी को नसीहत नहीं दी, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी जो प्रदेश के मुखिया हैं उनसे निवेदन किया है। आपने ध्यान से सुना होगा कि मैंने प्रार्थना की है उनसे कि जिस प्रकार से एक अभियान हाथ में लिया है केंद्र सरकार ने और मध्य प्रदेश सरकार ने कि पर्यावरण को शुद्ध करना, जल को शुद्ध करना, हवा प्रकाश सब में जो अवरोध हैं उन अवरोधों को दूर करना, तो ये शुद्धिकरण अभियान भौतिक रूप से तो है लेकिन जैविक रूप से जो मनुष्य के नित्य नियमित जीवन का अंग हो गया है उसमें भी शुद्धिकरण की आवश्यकता मैं अनुभव करता हूँ। और इसलिए मैंने अपनी प्रार्थना, अपने हृदय के विचार उनको व्यक्त किए कि काफ़ी समय से मध्य प्रदेश शासन में ऐसे जो लोग हैं जो स्वार्थ के कारण अपनी मनचाही जगह बैठे हैं, अपने घर भर रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं, सामान्य जन की सेवा करने के बजाय उनसे सेवा ले रहे हैं, ऐसे सब लोगों को ठीक से परख कर उस अशुद्ध तत्व को बाहर करने की आवश्यकता है। और इसलिए मैंने सांकेतिक निवेदन उनसे किया है। कई बाहरी लोग भी दलाल के रूप में, एजेंट के रूप में सत्ता में घुसते हैं और सत्ता और जनता के बीच में बिचौलिए बन जाते हैं, उन बिचौलियों को भी दूर करने की आवश्यकता है, वो भी गंदगी है। और पिछले कई वर्षों से राजनीति के माध्यम से मध्य प्रदेश में ऐसे तत्व बहुत सक्रिय हुए हैं, उनको पनाह मिली है, उनको मौका मिला है, अवसर मिला है और वो उस अवसर का लाभ अपने निजी निहित स्वार्थ के कारण करते हैं, उससे विकास भी अवरुद्ध होता है, जनता भी परेशान होती है, उपभोक्ता भी परेशान होते हैं और इसलिए सहज सेवा सबको प्राप्त हो सके इसका प्रयास करना चाहिए और उसमें जहां भी अड़ंगे हो, जहां भी अवरोध हो उसको दूर करने का दायित्व माननीय मुख्यमंत्री जी जो मध्य प्रदेश के मुखिया उनका है, इसलिए उनसे निवेदन किया, प्रार्थना की है। बहुत धन्यवाद। रघुनंदन शर्मा जी भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और मैं सीएम साहब से आग्रह करूंगा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता जो सलाह उनको दे रहे हैं वो उनकी सलाह गंभीरता से लें, क्योंकि 17 सालों में शिवराज सिंह जी के राज में जो गंदगी पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार की एक फैल गई है उसको हमको दूर करना है, पुनः मध्य प्रदेश की स्वच्छ छवि बनानी है, लेकिन वो तभी संभव हो पाएगा जब व्यापम टू नरसिंह घोटाले की ठीक से जांच हो। वर्तमान में उनके ही मंत्री, उनके ही कुलपति जो बैठे हुए हैं आज भी जबलपुर यूनिवर्सिटी में, जिन्होंने इस पूरे घोटाले को पेना की, इसमें उनकी अहम भूमिका रही है, अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब हमने इस मुद्दे को सदन में उठाया ताकत से तभी भाजपा भौंकला गई। पहली बार ऐसा मैंने देखा है कम से कम पिछले 10 सालों में कि जब 17 की तिथि दी गई थी 19 जुलाई तक, लेकिन 5 दिन की कार्रवाई में ही खुद सत्ता पक्ष के लोग भाग गए। हमेशा आपने देखा होगा कभी ना कहीं ना कहीं जब सत्र पहले ही खत्म हो जाता है तो कोई हल्ला होता है, विपक्ष के लोग, प्रतिपक्ष के लोग कुछ मुद्दे को लेकर वेल में आते हैं, कोई मुद्दे को उठाते हैं तो कहीं ना कहीं सदन स्थगित हो जाता है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि कोई हल्ला भी नहीं हो रहा था। हम सबकी मांग थी सत्र पूरा चलाया जाए, बजट के हर विषय पर चर्चा की जाए,
लेकिन क्योंकि हर प्रश्नकाल में, हर जीरो आर में, हर ध्यानाकर्षण में कहीं ना कहीं लगातार मध्यप्रदेश सरकार की पोल खुल रही थी, तो यही भाजपा के लोग और सीएम साहब और शायद भाजपा के नेता झेल नहीं पाए और इसीलिए सदन से भाग गए। और यही बात शायद जो आप अभी फरमा रहे थे, रघुनंदन शर्मा जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो एक गंदगी भ्रष्टाचार की फैल गई है पूरे भाजपा शासन में, इसको साफ करना बहुत ज़रूरी है। और इसी उम्मीद के साथ शायद जो नए मुख्यमंत्री जी हमारे बने हैं मोहन यादव जी, को ये सब बातें कही जा रही हैं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.